बट गॉड का पहला डेफिनेशन ही द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। एक बार क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था और कोइंसिडेंटली भगवान को एक बार वो मिला। तो साइंटिस्ट भगवान को देखकर कहता है कि आप भी भगवान हैं और हम भी भगवान हैं। अपने सूर्य बने, हमने एलईडी बने, इसलिए हम भी क्या है, भगवान है। अपने पक्षी बनाया और हमने एयरप्लेन बनाया। आपका पक्षी अकेला उड़ता है, हमारा एयरप्लेन में तो हजार लोग बैठ के जाते हैं। बाद में भगवान बोलते हैं कभी कभी आग भी लग जाते हैं तो नहीं, फिर भी आप कुछ बनाया, हमने कुछ बनाया, इसलिए आप भगवान है, हम भी भगवान है। तो भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, मैं ही भगवान, आप लोग भगवान नहीं। तो साइंटिस्ट कहता नहीं, हम भी भगवान है। तो भगवान कहते ठीक है, चल चल अभी तू बोल मुझे, मुझे क्या बनाना है तुम्हारे हिसाब से। तो साइंटिस्ट बोलता है हमने जो कुछ भी बनाया आप बना के दिखाई। एक बार तो भगवान आंख बंद करते और एक क्षण में सब कुछ बना देते, वन मोमेंट में जो भी साइंस ने बनाया, लैपटॉप हो, प्रोजेक्टर हो, एलईडी हो, फैन हो, एसी हो, एयरप्लेन हो, एक नहीं व्हीकल्स हो, फैक्ट्री जो भी बनाया, सब कुछ पटाख से एक मोमेंट में भगवान ने बना के उसके सामने रख दिया। वो आश्चर्य हो गए, फिर भी अपना दम नहीं छोड़ा, बोला नहीं नहीं मैं ही भगवान, तुम बोलो मैं क्या बनाता हूं आपके सामने में बनाता हूं। तो भगवान ने कहा कि काम करो, एक ईंट बना लेना। तो ईट ये साधारण चीज है, बनाओ बनाओ तो पहले। तो ईट बनाने के लिए वो साइंटिस्ट ने मिट्टी हाथ में ली। तो भगवान उसका हाथ को पकड़ ले और बोले पहले मिट्टी बना बाद में ईट बना। नहीं मिट्टी तो बना नहीं सकता है, इसलिए तुम भगवान नहीं हो। क्यों? क्यों मिट्टी में नहीं बने वो मिट्टी को लेकर तुम ईट बनाते, ईट को लेकर तुम घर बनाते। तुम्हारा ईंट बनाना, घर बनाना मेरे ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए तुम डिपेंडेंट गॉड हो और मैं इंडिपेंडेंट गॉड हूं। तुम डिपेंडेंट हो इसलिए तुम गॉड नहीं हो और मैं इंडिपेंडेंट हो इसलिए मैं गॉड हूं, मैं भगवान। तो भगवान जो भी क्रिएशन किए हैं किसका सहायता नहीं लिए, अपना शक्ति से ही, स्वयं का शक्ति से ही ये प्रकृति बनाए, किसका हेल्प नहीं लिए, रॉ मटेरियल कहां से लिए नहीं। साइंस जो भी कुछ बनाता है रॉ मटेरियल कहां से लेता है, नेचर से लेता है। किसका नेचर, प्रकृति बोलते हैं ना, ये मेरा प्रकृति है, दिस इज माय नेचर, है कि नहीं। ये शरीर मतलब क्या बोलेंगे, दिस इज माय नेचर, दिस इज माय हेयर स्टाइल, यू अंडरस्टैंड। तो आपका नेचर है वो, वैसे संसार जो है किसका नेचर है, भगवान का नेचर है। तो इस संसार को भगवान ने बनाया और वो इंडिपेंडेंट है। तो जो भी साइंस ने बनाया सब रॉ मटेरियल प्रकृति से लिया है। आपके पास कपड़ा है, इसका रॉ मटेरियल कहां से आया, आपके पास मान रेशम कपड़ा है, लेकिन रेशम जो कीड़े हैं बनाया वो भगवान ने बनाया। कॉटन है आपके पास, लेकिन वो पौधा कौन बनाया, भगवान ने। आपके पास घर है तो इसमें ईंट है, सीमेंट है, पत्थर है, कहां से आया, भगवान से। आपके पास प्लास्टिक का मटेरियल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम कौन बनाया, भगवान ने बनाया। आपके पास कुछ नेकलेस है, गोल्ड है, सिल्वर है, कहां से आया, मटेरियल, रॉ मटेरियल प्रकृति से आया। आपके पास लोहे के कुछ सामान है, कहां से आया, प्रकृति। पेड़ है, आपके पास दरवाजा है, कहां से आया, पेड़ से, पेड़ कौन बनाया। तो इस प्रकार रॉ मटेरियल कौन बनाया, भगवान ने। रॉ मटेरियल को कुछ चीज में परिवर्तित हम करते हैं, कुछ वस्तु बनाते हैं, उसके लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि कौन बनाया, आपने बनाया, आपने आपका बुद्धि बनाया। आप बुद्धिमान हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए आपने आपका बुद्धि नहीं बनाया, जो बुद्धिमान है वो जानता है, इसके पास बुद्धि नहीं, वो सोचता है कि मेरा बुद्धि मैंने बनाया है।
आपको पता है आपने आपका बुद्धि नहीं बना, इस शरीर जो आप देख रहे हैं, आप जिसको कह रहे हो कि ये मेरा शरीर, ये मैं हूं, वो शरीर भी आपने नहीं बनाया। 100% सत्य रही, 1% भी झूठ यहां पर रही। तो कहने का अर्थ है भगवान मीन्स ही द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, उसको हम क्या कहेंगे, भगवान कहेंगे। इसलिए मार्केट में कोई भी भगवान आता है तो पहला क्वेश्चन पूछना, आर यू द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, संसार आपने बनाया है क्या? बोले हाँ बनाया, ठीक है मेरे लिए भी एक घर बना, मेरा घर बार कुछ है ही नहीं, बना पाएगा नहीं।